और देखिए चतरा से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जुआल उत्सादी के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी खबर चतरा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पंजी 2 में अवैध नाम जोड़कर गेम जरूर। जब पता चले कि चतरा जिले के गिद्धौर अंचल कार्यालय में लोगों का प्रदर्शन जारी है और बड़ी संख्या में अंचल कार्यालय पहुंचकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजी 2 में फर्जी तरीके से नाम जोड़कर जमीन हड़पने की कोशिश की गई है। ब्रह्मपुर जब पता चले कि ब्रह्मपुर गांव के पास 170 एकड़ जमीन थी, अंचल कर्मियों के मिली भगत से भू माफियाओं ने हड़पी जमीन, ये बड़ा आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। जहां पर चतरा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लाल साधु के विरोध में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है और इल्जाम है कि जालसाजी की गई है, नाम बदलकर जमीन हड़पा गया है, ये बड़ी जालसाजी का आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण। बड़ी संख्या में अंचल कार्यालय पहुंच चुके हैं ग्रामीण, जहां पर उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, पंचर में बरहामपुर गांव के पास 170 एकड़ की जमीन हड़पने का ये पूरा मामला है। जी हाँ, ग्रामीणों का कहना है कि 170 एकड़ की जमीन हड़पी गई है, वो भी धोखे से जालसाजी करकर। और ये खबर जो है वो चतरा की है, चतरा से ये जालसाजी की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पांची 2 में अवैध नाम जोड़कर गैर जरूरत भूमि हड़पने की कोशिश की गई है। जी हाँ, चतरा जिले के गिद्धौर अंचल कार्यालय में लोग ग्रामीण जो है वो जमा हो चुके हैं, बड़ी संख्या में अंचल कार्यालय पहुंच चुके हैं ग्रामीण और ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण कह रहे हैं कि नाम बदलकर फर्जी तरीके से 170 एकड़ की जमीन हड़पने की कोशिश की गई है। 170 एकड़ जमीन हड़पने का यह मामला है जो चतरा से निकलकर सामने आ रहा है, और अब इसको लेकर के ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए प्रदर्शन की यह तस्वीर भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण अंचल कार्यालय में मौजूद है और प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इस वजह से हो रही है कि जमीन को हड़पा गया है, और कोई छोटी मोटी जमीन है नहीं, 170 एकड़ की जमीन हड़पने का यह पूरा मामला है, जिसको लेकर अब ग्रामीण आक्रोशित नजर आ रहे हैं और अंचल कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि गलत तरीके से नाम बदलकर ये काम किया गया है और ये जालसाजी की गई है, ये गैर कानूनी काम किया गया है, अंचल कर्मियों की मिली भगत से भूमाफियाओं ने जमीन हड़पा है। जी हाँ, ये ग्रामीणों का आरोप है। ग्रामीण कह रहे हैं कि भूमाफियाओं ने तो जमीन हड़पा है, लेकिन इसमें मिली भगत जो है वो अंचल कर्मियों की है, इसलिए ग्रामीण अंचल कार्यालय पहुंच चुके हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन की ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद है अंचल कार्यालय में। अंचल कार्यालय में इसलिए मौजूद है क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि भू माफियाओं ने जो जमीन हड़पा है, ये अंचल कर्मियों की मिली भगत से हड़पा है। कहा जा रहा है कि जालसाजी का ये मामला है और जालसाजी करके नाम बदलकर जमीन को हड़पा गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अभिषेक भारती जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक जी, कहा जा रहा है, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भू माफियाओं ने अंचल कर्मियों की मिलीभगत से जमीन हड़पा है, 170 एकड़ जमीन हड़पने का ये पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, विडंबना झारखंड की आप देख लीजिए कि चतरा के गिद्धौर अंचल के बाहर ग्रामीण गोलबंद है, रांची के कांके अंचल में ईडी की टीम छानबीन कर रही है। दोनों मामला 100 एकड़ से ऊपर जमीन के फर्जीवाड़े का ही है और दोनों मामले में यही है कि दोनों में पंजी 2 में छेड़छाड़ हुई, तो आप समझ सकते हैं कि किस बड़े लेवल पर जमीन का जो फर्जीवाड़ा है वो झारखंड में चल रहा है। एक तरफ रांची के कांके अंचल में ईडी की टीम खोजबीन कर रही है, वहां के सीओ से पूछताछ कर रही है, और दूसरी तरफ गिद्धौर में 170 एकड़ से ऊपर की जमीन पंजी 2 में छेड़छाड़ के विरुद्ध ग्रामीण पहुंचे हुए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मामला है, कितना बड़ा खेल है और कितनी बड़ी इस पर साजिश है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अब झारखंड सरकार को जमीन के ऐसे मामलों को लेकर के भू माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा जो नियत है और नीति है वो दोनों दिखानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों का जो आक्रोश है वो बहुत ऊपर पहुंचेगा। जी, वैसे इस जालसाजी का आरोप सीधे तौर पर अंचल कर्मियों पर लगा, इसलिए ग्रामीण जो है वो अंचल कार्यालय में पहुंचे, जैसे कि हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं, भारी संख्या में ग्रामीण वहां पर मौजूद है। ऐसे में अंचल कर्मियों का क्या कहना है, ये जो आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं कितना सही है? देखिए अंचल कर्मी क्या कहेंगे, अंचल कर्मी डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इन ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अंचल कर्मी इसमें नहीं शामिल होंगे तो ये जालसाजी हो ही नहीं सकती। ये अंचल कर्मी जो है इन्होंने पैसा ले लेके और आधा झारखंड बेच दिया है। आप यकीन मानिए कि अभी भी अगर झारखंड सरकार इन सब चीजों को लेकर के एक्शन नहीं लेती है तो आने वाला वक्त ऐसा होगा जब लोग जो है वो अंचल कर्मियों को बाहर निकाल निकाल करके पीटेंगे। स्थितियां ऐसी है मैडम,
आपको जी। अच्छा अभिषेक देखिए, आप भी बता रहे थे और हम भी देख पा रहे हैं कि आज ही जमीन के दो मामले हमारे सामने हैं, दोनों खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, तो क्या कहिएगा, क्या इतना ज्यादा वहां पर भू माफिया इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, उनको प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है? यूं कहें, अगर सीधे तौर पर कहें, जैसा कि वहां के ग्रामीणों का कहना है, तो खुद प्रशासन भी साथ दे रही है। देखिए सिर्फ दो मामले नहीं, चार मामले जी। ईडी की कार्रवाई कांके अंचल में चल रही है, एक ये दौर में ग्रामीण घेराव कर रहे हैं, दो अभी से थोड़े देर पहले बोकारो में जमीन का खेल हमने दिखाया था, तीन और शाम में 6 बजे रांची में जमीन का खेल हम दिखाएंगे, 4। तो आप समझ सकते हैं पूरे झारखंड को, पूरे झारखंड को इन भू माफियाओं ने बेचने की साजिश रची हुई है। आप समझिए इसको कि ये कितना बड़ा मामला है, और ऐसे मामलों को बहुत सीरियसली हम लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर सरकार इसको लेकर के ध्यान नहीं देगी तो झारखंड जो है एक बॉम्ब पर बैठा हुआ है, ये बॉम्ब कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। जी बिल्कुल अभिषेक, सही कह रहे हैं आप, और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ईडी जो पहुंची है कार्रवाई को लेकर, इसमें क्या कुछ ईडी के हाथ लगता है और कैसी कार्रवाई होती है। वैसे बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।